नमस्कार, मैं हूं अंजलि और आप देख रहे हैं आरपीएस समाचार। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की बड़ी खबर से। अगले चार दिनों तक रहेगी हार कपा देने वाली ठंड। मौसम विभाग ने कहा है कि अगले चार दिनों तक पूरा उत्तर बिहार कड़ाके की ठंड और घने कोहरे की चपेट में रहेगा। दिल्ली, बिहार, यूपी सहित पूरे उत्तर बिहार के लिए अलर्ट जारी किया गया है। भारत मौसम विज्ञान विभाग ने अगले चार दिनों के लिए उत्तर पश्चिम भारत के मैदानी इलाकों में भीषण शीतलहर और घना कोहरा छाए रहने की स्थिति की भविष्यवाणी की है। मौसम विभाग ने सोमवार को कहा है कि अगले पांच दिनों के दौरान पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, उत्तर प्रदेश और बिहार सहित उत्तर प्रदेश भारत के मैदानी इलाकों में घना कोहरा और शीतलहर की स्थिति जारी रहने की संभावना है। आईएमडी ने कहा है कि दक्षिण प्रायद्वीप के दक्षिणी हिस्सों, पूर्वोत्तर भारत के कई हिस्सों और उत्तर पश्चिम भारत के कुछ हिस्सों में तापमान सामान्य से नीचे चला जाएगा। कई इलाकों में सामान्य न्यूनतम तापमान रहने से शीतलहर और घने कोहरे की स्थिति बनी रहेगी। मौसम विभाग ने कहा है कि पूर्वोत्तर भारत के अधिकांश हिस्सों और उत्तर पश्चिम पूर्व और पूर्व मध्य भारत के कुछ हिस्सों में अधिकतम तापमान भी सामान्य से कम रहने की संभावना है। इस बीच दिल्ली में नए साल पर थोड़ी राहत के बाद शीतलहर की स्थिति लौट आई है। सोमवार से लोग हार कपा देने वाली ठंड महसूस कर रहे हैं और ठंड की स्थिति से बचने के लिए सड़कों के किनारे अलाव के चारों ओर जमा होते दिखे गए। शीतलहर और कोहरे की स्थिति के कारण कोलकाता में भी सोमवार को कई इलाकों में दृश्यता कम रही। उत्तर प्रदेश में मौसम विभाग ने अगले दो दिनों के लिए 36 जिलों में शीतलहर की स्थिति और बहुत घने कोहरे का अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग के अनुसार मिर्जापुर, वाराणसी, जौनपुर, गाजीपुर, आजमगढ़, मऊ, बलिया और गोरखपुर सहित कई जिलों में तापमान सामान्य से 4.5 डिग्री सेल्सियस कम रहने की संभावना है। कई राज्यों में होगी बारिश। आईएमडी बुलेटिन के अनुसार उत्तर पश्चिमी भारत, पूर्वी उत्तर प्रदेश, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, हरियाणा, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, जम्मू और कश्मीर और लद्दाख में इस महीने बारिश होने का अनुमान है और इसके सामान्य से कम रहने की संभावना है। आईएमडी ने कहा है कि दक्षिण प्रायद्वीप में भारत के कई हिस्सों में और मध्य भारत के कुछ हिस्सों को छोड़कर देश के अधिकांश हिस्सों में बारिश होने की संभावना है, जहां सामान्य से अधिक बारिश होने की उम्मीद है। खबरों में अब तक बस इतना ही। मिलते हैं फिर ऐसी ही बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए आरपीएस समाचार।